हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आज आप सबका स्वागत है रिएक्शन आरवीसी यूट्यूब चैनल पे, और मैं स्वागत करता हूँ सभी लोगों का जो लोग आज हमारा चैनल देख रहे हैं, और नॉट आज, जो पिछले लॉकडाउन पीरियड से ये रेगुलर चैनल देख रहे हैं। जैसे आपको ध्यान है, महाभारत रामायण के सीरियल आते थे, आज आरवीसी चैनल का ये चैनल भी बिल्कुल उसी तरह पॉपुलर हो गया है। अरे छोड़ो, अभी मेरा 7 बज गया है, मुझे मीटिंग में जाना है। वो क्रेज हमने रामायण महाभारत के लिए देखा था, और वो क्रेज आज हम आरवीसी यूट्यूब चैनल के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो लोग आते हैं वो काल्पनिक लोग नहीं है, वो रियल लोग हैं, वो सच्चे लोग हैं, वो अचीवर्स हैं, वो लोग हैं जिन्होंने कुछ मुकाम हासिल किया है, उन्होंने उन लोगों ने वो रियल एग्जांपल्स हैं, सच्ची घटनाएं हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मौका मिलती है। तो हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने ग्रेट ग्रेट महागुरु प्रोफेसर के एन वासुपालिया सर और डॉक्टर रत्ना मैम का, जिन्होंने ये नींव रखी आरवीसी की, और इस आरवीसी के माध्यम से, इस आरवीसी यूट्यूब चैनल की, जिसके माध्यम से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हो पा रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और आज जिस पर्सनैलिटी, जिस डैशिंग फैमिली से, जिस डैशिंग कपल से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, उनका इंट्रोडक्शन के लिए मैं सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। दे आर और कोई नहीं, हमारे ग्रेट गजेंद्र वर्मा जी और प्रीति वर्मा जी। एक जोरदार तालियां उनके लिए, गिव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर गजेंद्र वर्मा एंड मिसेस प्रीति वर्मा। ये आगरा शहर से हैं। आगरा शहर का नाम आते ही सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि 7 अजूबों में आज एक धरोहर के रूप में ताजमहल है। कई लोग जो ताजमहल देखने जाते हैं वो इनसे जरूर मिल लेते हैं, इन दोनों लोगों से मिल लेते हैं, क्योंकि वो डीएक्शन के लोग जो होते हैं वो ताजमहल की वजह से या आज इनका एंजॉय करते हैं। तो आज हमें सीखने को मिलेगा इनकी सक्सेस की कहानी, इनको इनको देखने के लिए, इनको सीखने के लिए। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि मैं वो शख्स हूं कि जो इनके साथ रहा, इनके साथ आगे बढ़ा, और जो भी मैं सीखा, जो भी मैं कर पाया वो मैंने आपके साथ दिया। और देव इस फैमिली की सबसे अच्छी बात यह है, ये लोग डाउन टू अर्थ हैं और ऑलवेज लर्निंग मोड में रहते हैं। इतने सीनियर होने के बाद भी, मिस्टर गजेंद्र वर्मा बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं, इनका एजुकेशन, इनका प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो इनका जो वे ऑफ लैंग्वेज था, जो इन्होंने अपना इंट्रो में डाला था, कल के अग्रवाल सर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा सर ये मीटिंग इंग्लिश में देंगे या हिंदी में देंगे, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कितने हाईली क्वालिफाइड पर्सन आज हमारे बीच में हैं, वेल क्वालिफाइड, जिन्होंने एमएससी स्टडीज से किया, जिन्होंने एज ए टाटा में ये सीनियर सेल्स मैनेजर थे, टाटा ग्रुप के जो फार्मा इंडस्ट्री में सीनियर सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है बहुत बड़े लेवल पर, इतना हायर एजुकेशन लेवल पर जाके, इतने हायर पोस्ट पे जाके डीएक्शन में आना, डीएक्शन में लेके आना, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो इनकी उसके बावजूद भी ये बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, ऑलवेज लर्निंग मोड में रहते हैं, और इनकी ज्वाइनिंग के लिए मैं अगर आपको बताऊं, आप जितने भी लोग आज हमें सब सुन रहे हैं, ये हालांकि अपने प्रेजेंटेशन में उसे डिटेल से बताएंगे, एक छोटी सी बात जो मुझे रहती है, क्योंकि मैं आई विटनेस था उस वजह का जब ये ज्वाइन किए थे। हमारे बीच में एक लेडी है मिसेज रश्मि रस्तोगी, जो मेरठ में रहती थी, और आज वो कनाडा में शिफ्ट हो गई है, वो मेरे ग्रुप से थी, मेरे डाउन से थे। तो हम लोग आरवीसी का, प्रोफेसर वासुपाल्या सर ने आगरा में होटल किलाक शिराज में एक प्रोग्राम कराया, कैंप कराया, आरवीसी कैंप, पहले उस समय वासुपाल्या क्रिएशन कैंप होता था, तो ये 2004 की बात है। उस कैंप, अब आप जब रश्मि रस्तोगी जी को मैंने तैयार किया कि चलिए मैम आप कैंप में चलिए, तो एज ए लेडी को तैयार करना वो अपने आप में टफ था, पर उन्होंने बोला ओके आगरा में मैं चलूंगी, वहां पे मेरा एक शख्स रहता है, ये मेरा एक फ्रेंड रहता है, मेरा एक नोन रहते हैं, कौन, जो उनके घर मेरठ में किराए पे रहे थे, जस्ट इमेजिन किसी समय वो किराए पे रहे थे मेरठ में अपनी जॉब के दौरान, उसको भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं क्या उस कैंप में। तो कैंप ऑलरेडी फुल हो चुका था, तो हम कैंप तो उन्हें अटेंड नहीं करा पाए, पर हमने बोला कि आप उन्हें ला सकते हैं या हम मिलके जाने जा सकते हैं। ऐसे करके इनको बुलाया गया, उस कैंप में ज्वाइनिंग हुई, और आपको इनकी ज्वाइनिंग का भी बता दूं, अभी कैंप में हम सब क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और मेरे साथ तो क्या था, मेरे साथ पुनीत जी भी थे, मेरे साथ और भी हमारे बहुत सारे ग्रेट लीडर्स सब गए थे वहां पे। तो जब ये आए कैंप में, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, अब ये एक बंदा आया मिलने रश्मि भाभी से, तो हमें क्या लगा ये हमारा प्रोस्पेक्ट है, तो जो एजुकेशन हमारे सबके पास उस कैंप में था वो हमने इनके साथ सबने लग गए, मतलब इनकी ज्वाइनिंग को करने के लिए किसी ने फॉर्म भरा, किसी ने समझाया, किसी ने मार्केटिंग समझाया, अब ये फार्मा के थे, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे, इनको इनको डीएक्शन में ढालना भी आसान काम नहीं था, वो तो उस समय हमारी नॉलेज इतनी हाई हो गई थी कि हम इनके काउंटर, इनके जो क्वेश्चन थे उनको काउंटर कर पाए,
इनको ज्वाइनिंग कराया, फिर इनका स्टॉकिस्ट फॉर्म भरवाया। अभी हम पुनीत जी हमारे साथ थे अभी थोड़ी देर पहले, तो बता रहे थे फॉर्म पुनीत जी ने भरा था, स्टॉकिस्ट फॉर्म मैंने भरा था। ऐसे कुछ मजेदार कहानी रही है इनके दौरान, हम जानेंगे इनसे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इतना अच्छा नेचर है, आगरा जब भी जाओ भाभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रीति भाभी बिना कुछ खिलाए बिना, मतलब मुझे याद है वो दाल चावल, अरहर की दाल चावल बड़ा फेवरेट, और ये अपना ये सब चीजें जो क्या बोलते हैं इडली, इडली डोसा, वो सब चीजें बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करती हैं। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं तो आज प्रोफेसर साहब के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे इस परिवार को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा अ ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर गजेंद्र वर्मा जी एंड मिसेस प्रीति वर्मा जी, ओवर टू यू। थैंक यू भरत जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे को इस लाइक समझा आरबीसी प्लेटफॉर्म का। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मेरे को ये मौका मिला है कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी मेडिकल प्रोफेशन से, जहां डिसीज की बात होती थी हमेशा, डिसीज को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वो मेडिकल प्रोफेशन से मेरे को एक हेल्थ प्रोफेशन में कैसे चेंज करा, ये मतलब एक कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है मेरी ये लाइफ का। तो सबसे पहले प्रोफेसर बसुपाल जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेरे को जगह दी आरबीसी प्लेटफॉर्म पे। और ये बिल्कुल सही है कि मैं टाटा ग्रुप की कंपनी में एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर, एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, स्टेट का हेड होता है, कार्य करता था। क्योंकि मेरी कार्य क्षेत्र मेरा जो स्टार्टिंग मैंने अपनी फार्मा इंडस्ट्री में करी, वो मैंने मेरठ से स्टार्ट करी थी, और एक ही कंपनी में मैं 14 बरस तक मैंने काम किया एज ए ट्रेनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लगा था, और रीजनल सेल्स मैनेजर तक मैं वहां पर पहुंचा, या आप ये कह सकते हैं कि मेरा 14 वर्ष का वनवास था। वो मेरे को सब कुछ मिल रहा था उस कंपनी में, इसमें कोई शक नहीं, कंपनी बहुत बढ़िया थी, ग्रुप बहुत अच्छा था, और एक ही मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी जब मैं हायर पोस्ट पे पहुंच, जैसे जैसे मैं अपने पद पे बढ़ रहा था, मैं अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर होता जा रहा था, क्योंकि कंपनी का प्रेशर, काम इतना ज्यादा रहता था कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाता था। 14 वर्ष में बहुत ही कम समय ऐसा रहा जब मैं परिवार के साथ रहा, पर समय बीत गया। बात सन 2004 की है, मैं किसी काम से मेरठ गया था, अपने ऑफिशियल वर्क से गया था, क्योंकि मेरी कार्य क्षेत्र मेरा मेरठ भी रहा था, तो मैं अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ पर गया, मिसेज रश्मि रस्तोगी के घर पे मैं जब पहुंचा, तो उन्होंने मेरे को कहा कि भैया कैसे आना हुआ, मैंने कि जी ऑफिशियल वर्क था इसलिए आया, सोचा कि आपसे भी मैं मिलता हुआ चल लूं। जब उनको मिला तो उन्होंने मेरे को एक-एक कहा कि मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ, मैं मना नहीं कर पाया, मैंने कहा ठीक है कॉफी पीऊंगा आपकी। कुछ पल बाद मैंने उनके हस्बैंड को देखा, मेरे को उनके हस्बैंड के बारे में काफी कुछ मालूम था, वो एक स्किन डिसीज से जूझ रहे थे, और ज्यादातर उनको प्रॉब्लम वो रहती थी, और मेरे को ये मालूम था कि ये डिसीज जो इनको है ये ठीक होने वाली नहीं है, एलोपैथी में इसका बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि एलोपैथी के अंदर मैं खुद इन्वॉल्व था, मेरे को मालूम था कि कहां तक इसकी बाउंड्रीज हैं। जब मैंने पूछा कि ये जो भैया का स्वास्थ्य कैसा है, कैसा इनका डिसीज का हाल है, तो भैया मेरे सामने हो गए कि गजेंद्र मेरी डिसीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आई शॉक्ड, मैंने कहा कैसे, किसका ट्रीटमेंट लिया, कौन सा मेडिसिन लिया, क्योंकि मेरे को ये पक्का एक विश्वास था कि ये डिसीज जाने वाली नहीं है। तो उन्होंने बड़े उससे मेरे को कहा कि अभी जो मैंने आपको कॉफी पिलाई है ना, वो कॉफी से ही ये डिसीज गई है। ये मेरे लिए बड़ा मतलब एक अचंभे वाली बात थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि कॉफी से डिसीज का क्या रिलेशन हो सकता है। मेरे को एक शॉक लगा, मतलब कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से। मैंने कहा क्या बात करती है, कहते नहीं ये कॉफी के अंदर ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कि आदमी इनको अगर लेता है तो स्वास्थ्य उसको अच्छा मिलता है। मैं कहा ठीक है,
मैंने कहा ये मैं मन ही मन में सोच रहा था ये निश्चित रूप से किसी ना किसी कोई कंपनी से जुड़ गई है और कोई ये प्रोडक्ट को मेरे को प्रमोट करना चाह रही है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा आप स्वस्थ हैं अच्छी बात है। ये अंदर अंदर मैं समझ नहीं पा रहा था, परंतु मेरे सामने एक रिजल्ट सामने था मेरे, मैं कुछ बोल नहीं सका, परंतु अंदर अंदर मेरे को हंसी भी आ रही थी कि कॉफी से कैसे बंदा ठीक हो सकता है। परंतु रश्मि रस्तोगी जी ने मेरे को फिर बार बार एक जोर देकर ये कहा कि ये कॉफी पीते पीते ही ये ठीक हुए हैं, और मैं विश्वास दिलाती हूँ भैया कि ये कॉफी पीते पीते आप स्वस्थ रहेंगे। आपको जितना वर्क प्रेशर रहता है मैं देखती हूँ, अभी भी आप यहाँ पर आए हैं, करीब 10 फोन आपके आ गए हैं मेरे सामने। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं समझ रहा था मन ही मन में। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कह रहे आप लेना चाहेंगे कॉफी, मैंने कहा ले लेंगे दे दीजिएगा। तो एक पैकेट में कॉफी और एक पेस्ट का मैंने उनसे प्रोडक्ट ले लिया। लेने के बाद कुछ दिन में अपने घर पे आ गया, आगरा आ गया। प्रोडक्ट के बारे में मेरे को बहुत ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, परंतु कॉफी पीने के बाद मेरे को कई बार ऐसा फील होता था कि मैं एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। पेस्ट के अच्छा लगा, टूथपेस्ट गैनोजी जो टूथपेस्ट था अच्छा लगा, उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। परंतु मैं अंदर अंदर ये सोचता रहा कि ऐसा इसमें है क्या, प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जानकारी कहीं से मिल नहीं रही थी। पर इसी बीच मेरे को एक मैगजीन आती है रीडर डाइजेस्ट, रीडर डाइजेस्ट में मेरे को एक आर्टिकल मिला डीएक्सएन टूवर्ड्स हेल्थ, वो पढ़ा तो गैनोडर्मा के बारे में कुछ उसमें दिया हुआ था, पर गैनोडर्मा के बारे में एलोपैथी के मैं कहीं मेरे को मिला नहीं। मैं कई बार डॉक्टरों से संपर्क मैंने करा, पूछा उनसे जो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे, कि मैंने कहा ये गैनोडर्मा क्या है, कुछ मालूम है क्या इसके बारे में, कहते नहीं मैंने हमने कभी नहीं सुना। मैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक डॉक्टर मेरे को आगरा में, जिनको मैं अपना ही प्रोडक्ट इम्यूनिटी के लिए लॉन्च करने गया था, मैंने उनको लॉन्च करा जिसको कि आज की डेट में बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, गिलोय जिसको बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया। तो मैं उनको अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था, तो वो मेरे को कहने लगे कि देखो ये आपका जो प्रोडक्ट है ना इम्यूनिटी का, एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूं इम्यूनिटी के लिए। मैंने कहा कौन सा प्रोडक्ट दिखा रहे हैं सर, तो यू बिलीव मी उन्होंने मेरे को आरजीजीएल की बॉटल मेरे सामने रख दी। मैं सोचने लगा कि ये क्या, ये डॉक्टर, और वो डॉक्टर छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है, ही इज एमडी इन टू से मेरा मतलब है एमडी इन पीडिया एंड एमडी इन मेडिसिन। दो में एमडी होने के बाद जूद भी वो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, मेरा माथा ठनक गया, क्योंकि गैनोडर्मा मेरे लिए नाम अब नया नहीं था। मैं मैगजीन में भी देख चुका था और मैं उसकी कॉफी भी पी चुका था, पी भी रहा था, और साथ में गैनोजी पेस्ट भी मैं इस्तेमाल कर रहा था। पर ठीक है थोड़ा चलता गया। इस बीच में ये जरूर रहा कि रश्मि भाभी जो मेरी लैंड लेडी थी, वो मेरे से लगातार संपर्क में करती रही, कभी प्रोडक्ट के बारे में बताती, कभी प्राइस के बारे में बताती, और कभी गैनोडर्मा के बारे में मेरे को बताती। पर चूंकि 14 साल मैंने फार्मा में ही काम करा, मेरे मॉलिक्यूल डिसीज प्रोडक्ट इस पे ही मेरा हमेशा फोकस रहा, तो मैं बस सुनता था ठीक है। इसी बीच में एक आगरा में कैंप होने जा रहा था, जिसकी मेरे को रश्मि जी ने जानकारी दी। कैंप मेरे लिए बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं था टाटा ग्रुप में, टाटा ग्रुप में हर साल हमारे कैंप्स होते थे, और मतलब एक तरीके से पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ाई एक जिसको कह सकते हैं, वो हमारा एक फन वीक का प्रोग्राम टॉप टू बॉटम चलता है, ये टाटा संस का एक कल्चर है। तो मेरे को कैंप के बारे में बहुत ज्यादा इतना वो इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। उन्होंने मेरे को बताया कि कैंप में मैं आ रही हूं और आपको वहां पर आना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, पर मैं जब आगरा में उनका कैंप हुआ, मैं कैंप में नहीं गया, टू बी वेरी फ्रेंक, फर्स्ट डे निकल गया। उनके उस दिन लगभग मैं समझता हूं कि 7-8 बार फोन आए होंगे। मैं जब भी उनका फोन आता, मैं अपनी वाइफ को पकड़ा देता था फोन की,
बोल दो कि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूं। शाम को मेरी वाइफ ने मेरे को कहा कि आपके लिए इन्होंने सुबह से इतने ज्यादा फोन किए हैं, तो आप क्यों नहीं एक बार वहां चले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा देखता हूं, कल मैं शाम को देखता हूं। दूसरे दिन भी शाम को मैं नहीं गया एक तरीके से, क्योंकि मेरे पास भी समय कम रहता था, जिम्मेदारियां बहुत थी, कंपनी की जिम्मेदारी बहुत थी। मैं क्योंकि आगरा में जब पोस्टिंग थी मेरी, तो मैं एज ए एरिया मैनेजर था, तो मेरे को भी समय नहीं मिल पाता था। मेरी वाइफ ने मेरे को एक बात ऐसी बोल दी, वो पता नहीं सच था या उन्होंने कैसे बोला, कि उन्होंने बोला इतनी बार इन्होंने फोन किया है और मैं समझती हूँ कैंप है तो उसमें कोई ना कोई टिकट भी होगा, तो आप ये क्यों नहीं जाते, उनका पैसा भी बर्बाद होगा और आप कैंप में जाइए। मेरी रश्मि जी से बात हुई, उन्होंने कहा आप आ जाइए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं शाम के वक्त आऊंगा। तो होटल कलाक्षीराज में कैंप था, 5-स्टार होटल था ये, मैं अक्सर जाता रहता था, मेरे मीटिंग्स वगैरह वहीं होते थे होटल कलाक्षीराज में। अब जब मैं वहां पर गया, जैसे मैंने एंट्री वहां पर ली, तो देखने का एक मतलब मेरे को कुछ शॉक जैसी एक पोजीशन मेरी हो गई, मेरे को एक शॉक लगा। शॉक क्या था कि आगे की लाइन में आगरा के नामचीन कुछ डॉक्टर्स बैठे हुए थे जिनको मैं पर्सनली जानता था। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये डॉक्टर्स यहां पर बैठे क्यों हैं और ये डीएक्सएन का इनसे क्या रिलेशन है, ये कैंप में क्या करने आए हैं, इसका मतलब ये डीएक्सएन के बारे में जानते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बहरहाल शाम का प्रोग्राम मैंने अटेंड करा। उस समय वीके गुप्ता जी, जो कि बहुत बड़े लीडर हैं हमारे एमपी के, वो उस समय कुछ बोल रहे थे। मैं चुपचाप जाके पीछे बैठ गया। थोड़ी देर बाद मिसेज रश्मि जी से मेरी मुलाकात हुई। कहते आप आ गए, आप मिले नहीं मेरे को एकदम। मैंने कि मैं आके आगे, क्योंकि मैं एकदम आने के बाद उसमें मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मैं कहां पर आ गया हूं। तो पीछे जाके बैठा मैं, फिर भाभी जी को मिला, तो उन्होंने कहा अच्छा कैसा लगा आपको। मैंने कि मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि उनकी जो स्पीच थी अच्छी स्पीच दे रहे थे, अच्छा बोल रहे थे। मैं घर पर आ गया। आप विश्वास करेंगे, घर पे आने के बाद मैं पूरी रात भर मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि ये डॉक्टर्स वहां क्या कर रहे थे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं दूसरे दिन फिर मैं गया, क्योंकि इनका लास्ट डे था उस दिन। लास्ट डे मैं जल्दी पहुंच गया, सुबह के वक्त ही मैं पहुंच गया। वक्त शायद 9:30 का रहा होगा। मैं तुरंत रश्मि भाभी जी से मिला, उन्होंने मेरे को भरत जी से मिलवाया। वहीं पर मेरी सबसे पहली मुलाकात भरत जी से हुई थी। भरत जी को नमस्कार, एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। भरत जी से मुलाकात हुई, मेरे को भरत जी के बारे में बताया। भरत जी के साथ पुनीत जी से मुलाकात हुई, और भी सारे लीडर्स थे वहां पे। मेरी सबसे धीरे धीरे उन्होंने मुलाकात कराई कि ये मेरे यहाँ टेनेंट थे इस तरीके से, और मैंने इनको प्रोडक्ट दिया है और इन्होंने भी कैंप ये यहाँ पे अटेंड करा है, ठीक है। उन्होंने भी मेरे को थोड़ा बहुत प्लान के बारे में, पहले जब भी मेरी फोन पे बात होती थी प्लान के बारे में बताती थी, पर बहुत ज्यादा मेरे को उसके बारे में इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि मेरा जॉब सही चल रहा था। बस एक मेरे को दिक्कत यही आ रही थी कि मेरे पर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहता था। धीरे धीरे समय ये बीता जो, तो फिर मेरे को सबसे पहले प्लान बताया कि इसमें ये प्लान है, इस तरीके से वर्किंग है डीएक्सएन की, और इसमें रहकर आप घर पर भी रह सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, लोगों को हेल्दी भी बना सकते हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि हेल्दी बना सकते हैं, हेल्थ का काम तो डॉक्टर का है, क्योंकि यही पढ़ा यही कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, जब इतना मैं सब देख चुका था वहां पर, और लोग भी मेरे को बड़े डिसेंट लग रहे थे सभी। एक लग जाता है ना कि कहीं आप गैदरिंग में जा रहे हैं लोग कैसे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाता है, और एम्बियंस कैसा है जिस जगह पे आप जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा कुछ मालूम पड़ जाता है कि जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हैं उसका प्रोफाइल कैसा है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या है। इससे मेरे को थोड़ा सा लगा कि मैंने कहा कुछ ना कुछ तो है, जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स यहां पे बैठे हुए हैं। तो पुनीत जी ने मेरे को समझा रहे थे, तो मैंने डन कर दिया। और मैंने कहा देखो मैं अपने नाम से तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता, क्योंकि
मैं जॉब में हूं, आप एक काम करो मेरी वाइफ के नाम से रजिस्ट्रेशन कर दो। तो उस समय 500 रुपीज लगते थे, 500 की बात मेरे लिए कोई बहुत बड़ी नहीं थी क्योंकि भरपूर पैसा कमा रहा था। रजिस्ट्रेशन मैंने अपनी वाइफ के नाम से ले लिया, तो पुनीत जी ने मेरा फॉर्म भरा, ये मेरे को अच्छी तरीके से ध्यान है। पुनीत जी को एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो घड़ी कितनी शुभ होगी कि जिस दिन मेरा आपने फॉर्म भरा। पुनीत जी को नमस्कार। जब मैं काम समझ रहा था तो मेरे बीच में एक सवाल आया मन में, मैंने कहा सर वो तो सब ठीक है, आप एक चीज बताइए मेरे को प्रोडक्ट कहां से मिलेगा। अब एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ चुकी थी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, कह रहे आपको प्रोडक्ट स्टॉक पॉइंट से मिलेगा। मैंने कहा स्टॉक पॉइंट कहां है, तो आगरा में एक स्टॉक पॉइंट था इनका। जब मैंने वो जगह इनसे पूछी तो मैंने कहा सर मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, वो वहां का कुछ स्टॉक पॉइंट पे प्रोडक्ट की कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी जो भी है। तो एक अपॉर्चुनिटी इंटरनल इनके यहां पर बन रही थी कि इनको एक स्टॉक पॉइंट भी खोलना था। तो भरत जी वहां पर बैठे हुए थे, भरत जी ने एकदम कहा कि आप चाहें तो इसका स्टॉक पॉइंट भी ले सकते हैं। बस उनका यह कहना था कि मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा सर आप मेरे को यह बताइए स्टॉक पॉइंट के लिए फॉर्मेलिटीज क्या है। तो भरत जी मेरे को बोलते हैं फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, आपको 1,00,000 रुपए का इंतजाम करना होगा। अब 1,00,000 की एकदम रकम मेरे लिए थोड़ा सा, मैंने कहा ठीक है मेरे को थोड़ा सा समय दो आप। मैंने वाइफ से वहीं से ही मैंने फोन पे मैंने वाइफ से बात करी, मैंने कहा प्रीति ऐसे ऐसे बात है और स्टॉक पॉइंट के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए 1,00,000 रुपया चाहिए। काम तो मेरे को ठीक लग रहा है, ये कंपनी भी अच्छी लग रही है जितना मैंने समझा है। प्रीति ने कहा देखो ऐसा है कि मेडिकल प्रोफेशन में जो वर्क प्रेशर है आपके ऊपर और जो आप घर से दूर रहते हो, ये ज्यादा लंबे समय तक मेरे को नहीं लगता कि ये ज्यादा चलेगा। या तो आप कंपनी स्विच करो, और कंपनी भी अगर स्विच करते हैं तो सभी जगह प्रॉब्लम तो सेम ही है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। तो मैंने तुरंत भरत जी को बोला, मैंने भरत जी मेरा स्टॉक पॉइंट मैं लेने के लिए तैयार हूं, तो ठीक है हम आपका स्टॉक पॉइंट भी का फॉर्म भर देते हैं। तो भरत जी ने मेरा सेम डे मेरा स्टॉक पॉइंट का फॉर्म भी भरा। इसलिए एक बार फिर नमस्कार करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा भरत जी को कि मेरा स्टॉक पॉइंट भी उसी दिन भरा, फॉर्म भरा गया जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद मेरे को भरत जी ने, तो रश्मि रस्तोगी जी ने, हमारे महान गुरु हमारे मेंटर प्रोफेसर बसुपाल जी से मेरी मुलाकात कराई। बसुपाल जी से जब मैं मिला, यू बिलीव मी, जब उनका बारे में मेरे को बताया गया तो मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी पोस्ट के बाद एकदम ऐसा डिसीजन लेके मल्टी लेवल मार्केटिंग में आना। पर ही इज इकोनॉमिस्ट, वो एक अर्थशास्त्री है, उनको ये सब चीज का ज्ञान इसका मतलब बहुत पहले हो चुका था, और इसीलिए प्रोफेसर साहब ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि एक लाइफ जो पढ़ाई करी, जितना साल पढ़ाया, वहां से एकदम टर्न, यू टर्न लेके और MLM का कंसेप्ट अपनाया। इस तरीके से मैं DXN में मेरी एंट्री हुई। अब प्रोडक्ट आने को था, हम मेरे को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली बुलाने के बाद वहां पे जो मैनेजमेंट का स्टाफ था, उन्होंने कहा कि आप चेक लाए, मैंने कहा जी लेकर आया हूं। 1,00,000 रुपए का मेरे पास चेक था, मैं जब DD में बनवा के गया था, मैंने उनको DD दिखाया, DD उन्होंने लिया। अब वो मेरे को थोड़ा सा बता रहे थे कि इस तरीके से इन्वेंट्री करी जाती है, इतनी ये वो होती है। मैंने मैडम को बताया, मैंने मैडम आप बताइएगा, वैसे ये कार्य मैं काफी समय से कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 CNF थे जिनको मैं सुपरवाइज करता था, देखता भी था उनके, वहीं से मेरा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब प्रोडक्ट मेरे पास आने को था, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। अब प्रोडक्ट तो मेरे पास आ गया 1,00,000 रुपए का। अब हमारे सामने एक चैलेंज था कि अब हम इस प्रोडक्ट का करें क्या, कैसे सेल करें, कैसे क्या करें, क्योंकि नॉलेज जो हमें मिली वो कैंप में केवल एक शाम की, और दूसरे दिन
जो उतने भी हमारे लीडर्स थे जिन्होंने मेरे को वहां पे बताया ये प्रोडक्ट ऐसे काम करता है, इसमें इतना पैसा आप कमा सकते हैं, इसका इधर लिमिट है, वो सब हम सुन रहे थे। अब प्रोडक्ट मेरे सामने आ गया, मेरे घर पे प्रोडक्ट उतर आया। अब आगे के बारे में, प्रोडक्ट आने के बाद हमारे सामने क्या क्या चैलेंज आए, मैं अपनी वाइफ से कहूंगा कि वो इसको कंटिन्यू करें और वाइफ आपको बताएंगी कि आगे हमने कैसे कैसे चैलेंज देखे। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, अभी आप वर्मा जी को सुन रहे थे। जैसा कि वर्मा जी ने बताया कि हमारे पास डीएक्सएन अपॉर्चुनिटी थी, हमें डीएक्सएन ज्वाइन कर चुके थे और हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका था, लेकिन अब चाय कॉफी को किसी सामने प्रमोट करना या उसको उसके बारे में बताना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था कि हमारे पास प्रोडक्ट तो आ गया है लेकिन हम इसको अब इसको सेल कैसे करें या हम लोगों को इसके बारे में कैसे बताएं, क्योंकि एलएमएल कंपनी हमारे लिए एकदम नया अनुभव था। इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने पहले नहीं आई थी, ना हम इस तरह की कंपनी के बारे में किसी से भी हमने सुना था, ना हम जानते थे, और दूर दूर तक हमारे यहाँ एमएलएम में किसी ने काम भी नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे हमने इसको अपने इस तरह से बताना शुरू करा लोगों को, और भरत गर्ग जी क्राउन एम्बेसडर जो हैं, उन्होंने हमें समय समय पर हमारे को मार्गदर्शन किया। अब धीरे धीरे हम इसमें बढ़ने लगे स्टेप बाय स्टेप। तो क्योंकि मेरी शुरू से ख्वाहिश रहती थी कि मैं अपने को प्रमोट करूं, सिर्फ हाउसवाइफ बन के ना रह जाऊं, लोग मेरे को जाने, और इसके लिए मैंने काफ़ी कुछ ट्राई करना चाहती थी कि मैं घर से बाहर निकलूं, जॉब करूं, लेकिन मेरे सामने समस्या ये थी कि मैं छोटे बच्चों को छोड़ के घर से बाहर कैसे निकलूं। तो एक डीएसएन के रूप में एक प्लेटफॉर्म मेरे को ऐसा मिला जहां मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी, और धीरे धीरे इसमें इतना मजा आने लगा मेरे को, क्योंकि एक तो मेरे को ये था कि मैं इसमें अर्निंग भी कर पा रही हूँ, अपने फैमिली के को देख भी पा रही हूँ, और साथ में जो मुझे लगता कि लोग मुझे जाने, तो मुझे वो भी सब मिल रहा था। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे थे इसी तरह से आगे। और एक अगर मैं कहूँ कि एक लेडीज के सामने ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है, जो लेडीज घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हैं और जिनके दिल में एक ख्वाहिश रहती है कि मैं भी कुछ करूं या मैं भी कुछ बनूं या अपने परिवार को आर्थिक सहायता दे सकूं, तो उनके लिए रियली एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जी, जहां से ना तो समय की पाबंदी होती है, ना हमारे पास किसी बॉस का डंडा है। जब आपको समय मिले, जब आप इसमें काम करिएगा, जब आपको समय मिले, जब आप बताइएगा लोगों को, घर से फोन करके बताइएगा, बाहर खड़े हो रहे हैं आप गप मार रहे हैं तो बजाय गप ना मारने के आप प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं लोगों को। आप खुद जब यूज करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी को देख के लोग इम्प्रेस होंगे, वो खुद खुद पूछने लगेंगे। तो ऐसा मेरे साथ भी होने लगा धीरे धीरे। ये करते करते जब हम काम कर रहे थे तो हमारे सामने मेरे को बहुत लोगों ने डिस्करेज भी किया कि किस तरह की इस कंपनी में तुमने ज्वाइन कर लिया है, क्या आसान है कि इस तरह से कि अगर हम किसी घर में जाके उसकी चाय कॉफी को रिप्लेसमेंट कर सकें अपने प्रोडक्ट के बदले में। वाकई में उस समय लगा था कि मेरे को आसान नहीं है ये कि हम किसी के जो लोग बरसों से सालों से सब प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हम उनको इसका रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, हमने इसका चमत्कार भी देखा था अपने ऊपर। तो मैंने धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू करा इसके बारे में, और अपने प्रोडक्ट पे डीएक्सएन पे विश्वास रखते हुए, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमने एक से दो लोगों को, दो से चार लोगों को बताना शुरू करा, और इस तरह से एक बड़ा कारवा बनता चला गया। मेरी टीम के लोग बहुत सहयोगी, उन्होंने हमारे को बहुत सहयोग करा। अब तो मेरे पे एक जुनून सा सवार था कि नहीं, मुझे डीएक्सएन में काम करना है और मुझे इसी से कमाना है, मुझे नाम भी कमाना है। कहते हैं नेम और फेम दोनों कमाने हैं, तो वो मेरी एक माइंड पेपर हो चुका था कि मुझे इसी में एक अपना कैरियर बनाना है और नेम और फेम मुझे दोनों चाहिए। तो हमें लोग इसी में आगे बढ़े थे, और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी मैं कि मैं डीएक्सएन में मीटिंग में इनके साथ, अगर लोकल में तो मैं कभी मौका नहीं छोड़ा कि मैं ना जाऊँ, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य होता था कि हम जाएँ वहाँ पे तो हमको देख के और लोग जो फैमिली के हैं वो मोटिवेट हों कि हस्बैंड वाइफ, क्योंकि वो समझे कि ये अकेले का बिजनेस नहीं है, ये एक फैमिली बिजनेस है। क्योंकि अगर हम सपोज करिए कि किसी हम अकेले बंदे को बुलाते हैं तो वो अगर वो समझता है, सुनता है मीटिंग को और कॉफी लेके चला जाता है, लेकिन जब कॉफी लेके चला जाएगा वो तो क्या करेगा कि इन वाइफ को बताएगा
कि आप ऐसा है कि सुनो ये कॉफी बना दो, मैं कॉफी लेके आया हूँ, और उसकी वाइफ को इसके बारे में नहीं पता, इसके बेनिफिट के बारे में नहीं पता, तो वो क्या जनरल कॉफी समझेगी उसको? और अपनी किचन में एक जिसे कहते हैं कि एक उसको सजावट के तौर पर एक डिब्बा उसके किचन में एक और शुमार हो जाएगा। जब उसको पता होगी कि नहीं इसके ये फायदे हैं, मुझे इससे हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है मेरी, तो वो जरूर इसको प्रमोट करेगी और खुद यूज करेगी तो सामने वालों को भी बताएगी अगर उसके घर में आसपास कोई प्रॉब्लम है या बच्चों को कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमने एक अपना उद्देश्य बनाया है कि हम जहां भी जाएंगे अकेले जाएंगे, इसको फैमिली के तौर पे इस बिजनेस को हम प्रमोट करेंगे। तो इस तरह हम आगे बढ़ने लगे। इसी बीच हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, डीएक्सएन ने हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, वो थी हेल्थ में डिप्लोमा, हेल्थ में डिप्लोमा का अपॉर्चुनिटी थी। तो ये मैं, क्योंकि मुझे पहले से न्यूट्रिशन बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं इसमें भी अपना इतने थोड़ा सा पढ़ाई करके इसको भी मैं अचीव कर सकती हूँ। तो मैंने उसमें भी उसको भी बहुत अच्छे से अचीव करा, इसको भी फर्स्ट डिवीजन से मैंने इसको अचीव करा। उसके साथ मेरे को ये फायदा हुआ कि मैंने लोगों को धीरे इसके बारे में, और जो मैंने सप्लीमेंट के बारे में पढ़ा था, विटामिन के बारे में पढ़ा था कि विटामिन B1 B2 या किस तरह से काम करते हैं हमारी बॉडी पे, तब मैंने अपनी स्पिनोसा से उनको कंपेयर करा, अपनी कॉफी से कंपेयर करा, तो मेरे को लगा कि ये तो हमारे इसमें और अच्छा काम कर सकती है लेडीज के लिए, जो बीमार लोग हैं या जो जो रेगुलर में अपना जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते उनको, जिसकी जिसके लिए हमने और एक्स्ट्रा में सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं, तो क्यों ना सिंथेटिक सप्लीमेंट की बजाय हम इसको नेचुरल फॉर्म में देना शुरू कर दें। तो इस तरह से हमने नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना शुरू करा और हमारे पास जो भी जानकारी थी मैंने उनको बांटना शुरू कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे और ज्यादा स्प्रेड होता होने लगा, क्योंकि उसके बेनिफिट हमें जब हमें जानकारी हुई तो उसके बेनिफिट हमारे सामने बहुत ज्यादा आने लगे, तो हमने उसको बताना और शुरू कर दिया। इसी बीच मुझे एक, क्योंकि मुझे कुकिंग में बहुत शौक था, मेरी एक बहुत एक अच्छी हॉबी थी कि मैं कुकिंग में भी अपना अच्छा मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा कि क्यों ना डीएक्सएन प्लेटफॉर्म से कुकिंग का भी मैं अपना शौक पूरा करूं। तो लखनऊ में एक प्रोग्राम हुआ था, 1000 लोगों का प्रोग्राम था, तो मैंने वहां पर 2-in-1 कॉफी से कोल्ड ड्रिंक बनाई। तो वहां पर जब कोल्ड ड्रिंक बनाई तो लोगों को बहुत पसंद आई, और उस समय हमारी कॉफी की काफी डिमांड होने लगी और लोगों ने इसका बहुत फायदा उठाया और हमारी काफी कॉफी सेल भी हुई थी। तो इस तरह से मैंने अपनी हॉबी को पूरा करते हुए वहां पे डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म पे अपनी हॉबी को पूरा करती रही, और लोगों को जो भी मेरे साथ कॉन्टेक्ट से जुड़ी हुई थी, लेडीज थी, तो उनको भी समय समय पे मैं उनको टिप्स देती थी कि भाई आप स्पून से ये करिए। अभी मेरे पास एक फोन आया था कि मैडम जी मैं कॉफी से वो स्पून से और क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा देखिए हम न्यूट्रिशन के तौर पर ले सकते हैं इसको, हम ब्यूटी के प्रोडक्ट पे यूज तो प्रोडक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं इसको, और सबसे आपको एक और अच्छी रेसिपी बताऊं जो मैंने अभी हाल ही में यूज करी है, कि आपके पास अगर चटनी बनाने के लिए कुछ नहीं है तो आप इजीली शिमला मिर्च दो लीजिए, उसमें स्पून कैप्सूल डालिए, आप जितने आप चाहें डाल सकते हैं, 5, 6, 10 आप स्पून कैप्सूल डालिए, एक हरी मिर्च डालिए और वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल के नमक डाल के इसको सिंपल चटनी पीस लीजिए। तो ये चटनी मेरी फेमस होने लगी कि जब लोगों के पास धनिया पुदीना नहीं था तो ये चटनी वो इजीली बना सकती, क्योंकि कोकोनट बटर ऑयल हमारा यूज हो रहा है वो भी हेल्दी है। साथ में हमने शिमला मिर्च यूज करी, वो न्यूट्रिशन है ही अपने आप में। साथ में हमने स्पूना को यूज करवाया, और हमने अगर नींबू डलवा दिया तो वो सोने पर सुहागा वाली बात हुई, क्योंकि स्पूना का हमारा आयरन जो है अच्छे से अब्सॉर्ब और हो जाएगा उसमें। तो ये सबको ध्यान रखते हुए मैंने उनको रेसिपी शेयर करना शुरू कर दिया। हमने स्पूना के कई उनको रेसिपी समय समय पर शेयर करती रहती हूँ, आज भी मैं उनको बताते रहती हूँ लोगों के बारे में। इसी तरह से मैंने अपना सफर करते करते धीरे 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 मैंने उसको आगे बढ़ाया, और हर मीटिंग मेरी यही शर्त होती थी कि देखिए आपको जो भी आता है कॉफी से सॉरी डीएक्सएन प्रोडक्ट से जो भी बनाना आता है आपको, आप छोटी से छोटी चीज बनाइए, लेकिन शर्त यह है कि हर मीटिंग में डीएक्सएन प्रोडक्ट यूज होना ही होना है। तो इस तरह से हमने हर घर में अपने हिसाब से उनको प्रमोट करते हुए उनको डीएक्सएन का प्रोडक्ट पहुंचाना शुरू करा, और लोगों ने देखते देखते अपने ब्रांड बदलने शुरू कर दिए। कि हम जब किचन में जाते थे लोगों की, तो मैं सिंपल किचन में घुस जाती थी जब जाती थी लेडीज की, क्योंकि मैं इनके साथ होती थी, तो मैं कहती मैं भी आपके किचन में चली, तो मैं देखती थी कि उनके कोको जी रखा हुआ है, स्प्रिंग रखी हुई है और कॉफी रखी हुई है, तो वो बड़ी खुशी होती थी कि हमने ये ब्रांड हमने चेंज करा दिया लोगों का। तो इस तरह से हमने इसको प्रमोट करना शुरू करा। आज
जो रिश्तेदार थे मेरे या जो मेरे साथ में मिलने वाले थे, अड़ोस पड़ोस के लोग थे, बस पूरी बहुत आलोचना करते थे, मुझे भी डिस्करेज करते थे, क्या आप इन चक्करों में पड़ गई हैं, चाय कॉफी बेचने के चक्कर में, अरे सब ये बेकार की बातें हैं, ये वे दुनिया में तो इस तरह से बातें करते थे। अब धीरे धीरे जब उन्होंने हमारे ऊपर रिजल्ट देखा इसका, और देखा कि हमारा तो जब कोरियर आता है तो कार्टन के कार्टन उधर रहते हैं यहाँ पे, तो उनके दिमाग में समझ में आया कि भाई ये प्रोडक्ट इनका तो इसका मतलब बहुत सेल होता है, लोग बाहर से आ रहे हैं तो वो बाहर से आके मांग रहे हैं हमसे प्रोडक्ट, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने लगा इसका, कि कुछ ना कुछ तो बात है जिस प्रोडक्ट में, कि वर्मा जी की मिसेज कहीं घर से बाहर मतलब बहुत ज्यादा जाती नहीं है, घर से रह के बिजनेस कर रही है, और इनके हर तीसरे दिन कोरियर आ जाते हैं, हर तीसरे दिन ऑटो से माल इनका लोड यहाँ पे होता है घर पे इनके, तो लोगों में एक पॉजिटिव थिंकिंग बनना शुरू हुआ इस चीज की। अब धीरे धीरे हमने हमको लगा कि हम इसमें सक्सेस हो रहे हैं धीरे धीरे अपने इसमें, तो हम को एक अंदर खुशी भी मिलती थी, तो इस तरह से हमने धीरे धीरे, अब तो ये हाल हो गया कि हमारे घर में लोग बाहर आके सुबह सुबह ही कितने लोग बाहर आके सुबह से बोलने लगते थे कि मैडम मेरा पेज खत्म हो गया है, पेज दे दीजिए प्लीज, पता था कि मैं आंखें मलती हुई बाहर से अपने निकल रही हूँ, उनको वो डोरबेल बजा रहे हैं और मैं निकल रही हूँ कि क्या हो गया भैया, क्या क्या मांग रहे हैं आप, भैया मैडम पेश दीजिए, मैं सुबह से पेश नहीं करा है, मेरा पेश खत्म हो गया, मैडम मुझे कॉफी दे दीजिए, मैंने कॉफी नहीं अभी पी है, मेरी आंखें भी नहीं खुल पा रही हैं, तो इतनी खुशी होती थी इस चीज को लेके कि इस चीज़ ये प्रोडक्ट की ताकत थी, ये हमारे बताने का तो जो असर था लेकिन प्रोडक्ट की ताकत थी कि जो हम इसको इतने लोग इसके फैन हो गए कि जिन्होंने एक बार प्रोड्यूस करा अड़ोस में पड़ोस में या रिश्तेदारों में, तो वो सुबह मतलब जो मतलब बाकायदा ढोल बेल बजा के इसे हाथों में भीख से वैसे मांगते हैं कि नहीं हमें दे दीजिए ये, हमारा इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो रियल में एक खुशी वाली बात थी मेरे लिए। तो धीरे धीरे जो मैं चाहती थी कि लोग इसको जाने, प्रोडक्ट को जाने, लोग हमें जाने इसके बाद इसको लेके, लोगों के मन में जो भ्रम है कि नहीं ये प्रोडक्ट कैसे सेल कर पाओगे, ये कैसे इतना महंगा प्रोडक्ट है, ये है वो है, दुनिया जो बातें करती है हर तरह की, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें डीएक्सएन ने दिया जो किसी भी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है हेल्थ और वेल्थ के लिए। मुझे उस दिन का इंतजार है डीएक्सएन में कि जब मैं आगरा जैसे शहर में अपने आगरा जैसे शहर में हर घर में डीएक्सएन का प्रोडक्ट पहुंचा पाऊं, तभी मुझे लगेगा कि हाँ हम 100% सक्सेस हुए हैं। तो मैं इसी के साथ अपने यहाँ पे अपना विराम लगाना चाहूंगी और न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते में बोलना चाहूंगी कि डीएक्सएन यानी डेली एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हमें आज इसकी बहुत जरूरत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पर जोर दिया जा रहा है कि आप इम्यूनिटी बढ़ाइए, तो वो कहाँ से बढ़ेगी क्योंकि हमारे को न्यूट्रिशन है ही नहीं बॉडी के अंदर। तो जब हमारे को न्यूट्रिशन नहीं है तो हमारी बॉडी धीरे धीरे ये जो भी वायरस आ रहे हैं बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको इफेक्ट कर रही है। तो अगर हम इसको जैसे बताया कि डेली एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन यानी डीएक्सएन, तो अगर हम इसको रेगुलर यूज करेंगे या प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करेंगे तो निसंदेह हम आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी वर्मा जी को आज के सेशन के लिए। और जब मेरे पास प्रोडक्ट ये आ गया सबसे पहले, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब मैं इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करूं, कैसे लोगों को बताऊं, क्योंकि एमएलएम का जो मेरे को एक्सपीरियंस तो था नहीं बिल्कुल भी, जो भी नॉलेज मिली वो हमारे ग्रेट लीडर भरत गर्ग जी से, पुनीत जी से, जो उस कैंप में वहां मौजूद थे उन्हीं से मेरे को ये मिली। तो एक आगरा में फेयर लग रहा था, होटल कलाक्षी राज में वो फेयर था, तो मैंने कहा चलो यहां से ही शुरुआत करते हैं। तो मैंने वहां पर उस फेयर में एंट्री ली और अपना एक स्टॉल लगाया। उस स्टॉल में मेरे को सच पूछो मेरा, क्योंकि पहला पड़ाव था वो सेलिंग का, मेरे को वहां से निराशा हाथ लगी। क्यों लगी? क्योंकि दो दिन स्पेंड करने के बाद वहां पर मेरा कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, बल्कि मेरा कोको जी का दो बॉक्स लगभग वहां टेस्ट कराने में जरूर खर्चा हो गया, पर मैंने वहां पे हिम्मत मैंने नहीं आ रही, मैंने कहा कोई बात नहीं, हर चीज की शुरुआत शुरू में ऐसी ही होती है। पर मेरे को अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा विश्वास हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था अपने ऊपर भी और जिन लोगों से मैं मिला था उनसे भी,
और जो डॉक्टर्स को मैंने वहां पे देखा, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत बैठे हुए थे वहां पे कुछ लोग कि जो वास्तव में समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब बारी थी कि प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से समझने की, क्योंकि फार्मा से जुड़ा हुआ था, तो सबसे पहले मैंने फार्मा में जो हम लोगों को बताया जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में फैब को जानिएगा। फैब का मतलब होता है एफ स्टैंड फीचर, ए स्टैंड एडवांटेज एंड बी स्टैंड बेनिफिट्स। तो मैंने फीचर, एडवांटेज एंड बेनिफिट्स प्रोडक्ट्स के, जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल हर तरफ से, जहां से भी मेरे को इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, जो भी मैं सुन रहा था या जो मैं देख रहा था, उसको मैंने उसमें शामिल करा। अब प्रोडक्ट की जानकारी और उनको यूज करवाना, अब ये मेरे लिए रोजमर्रा का काम हो गया था। मैं डेली, रोज के रोज अपना एक मिशन बनाता कि मेरे को इतने लोगों से बात करनी है, मैं जिससे भी मिलूंगा उससे सबसे पहले डीएक्सिन के बारे में बात करूंगा, डीएक्सिन के बारे में पूछूंगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मेरे को हासिल होगा। क्योंकि अब जॉब की भी मेरे को बहुत ज्यादा वो नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरा एक, जैसे कहते हैं ना कि अब मेरा पैसा भी जा चुका था। इसी बीच एक घटना हुई हमारे स्पॉन्सर की। घटना क्या हुई कि मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी स्पॉन्सर इंडिया को छोड़ के कनाडा जा रही है। मैं सोच रहा था कि अपने जॉब को क्विट कर दूंगा और एमएलएम सेक्टर में आ जाऊंगा, कंपनी अच्छी लग रही है मेरे को, प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा ताकत है, कंपनी के मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के जो इन लोगों से मैं मिला हूं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, उन वो लोग मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जिन्होंने मेरे को स्पॉन्सर करा है, जिन्होंने मेरे को बताया है, वो इंडिया को छोड़ के जा रही हैं। तो थोड़ा सा मेरे लिए ये शॉक वाली न्यूज थी, परंतु मैं डटा रहा, जिसे कहना चाहिए, और मेरे अपने डिसीजन पे सोच रहा था कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो ठीक है ना। पर फिर अंदर से वो आवाज आई कि डिसीजन हमेशा ठीक ही होते हैं जो समय पे लिए जाते हैं, परंतु उसी समय वही पीरियड में मेरे संकट मोचक ही, मैं कहता हूं इनको, भरत गर्ग जी का फोन मेरे पास आता है कि वर्मा जी, आपको रश्मि रस्तो जी के बारे में मालूम पड़ गया होगा कि वो कनाडा जा चुकी हैं। अब आपको डीएक्सएन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके की, मार्केट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप मेरे को बेझिझक किसी भी समय पे फोन कर लीजिएगा। आप विश्वास करिएगा, वो समय, वो मोमेंट मेरे लिए इतना एक ऊर्जा दे गया, वो एक फोन कॉल मेरे को इतनी एक ऊर्जा दे गया कि मैंने कहा कि देखो, मेरे को बताया किसी ने, अब मेरे को उंगली मेरी कोई और पकड़ेगा। क्योंकि भरत जी से बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन मेरा नहीं था, केवल वहीं पे जो इंट्रोडक्शन था, एक बार मेरा मुलाकात और हुई थी, इससे ज्यादा उनका मेरा इंट्रोडक्शन नहीं था। कोई भी परेशानी आए तो आप मेरे को संपर्क करिएगा। मैंने जब भी भरत जी को फोन करा, चाहे वो सुबह हो, शाम हो या लेट आवर्स हो, भरत जी ने मेरे को रिप्लाई जरूर दिया, और रिप्लाई के साथ साथ मेरी जो प्रॉब्लम है उसको भी उन्होंने समझा, और उसका एक सॉल्यूशन मेरे को उन्होंने दिया कि आप ये नहीं है तो ये कर सकते हैं, ये नहीं है तो ये कर सकते हैं। तो उनकी गाइडेंस में मेरा स्टार एजेंट का जो लेवल था वो बहुत जल्दी अचीव मैंने कर लिया। स्टार लेवल का जब अचीवमेंट मेरा हुआ तो मेरे को ये लगने लगा कि अब 25% तो मेरे को आएगा ही आएगा, साथ में रिटेल प्रॉफिट है वो भी मेरे को आएगा, तो ठीक है, हमारा, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पे कंपनी में एक कल्चर है कि जो भी हम अचीवमेंट करते हैं, जो भी हमारे लेवल होते हैं, तो इसको सेलिब्रेट कराया जाता है और एक पिन दी जाती है। ये पिन का भी एक बहुत अच्छा अनुभव मेरे को रहा। तो पहली पिन हमारे को स्टार एजेंट की मुरादाबाद में मिली थी। तो मेरे साथ मेरे चार लोग जो और मेरे साथ जो काम कर रहे थे वो भी मुरादाबाद गए, हम लोग गाड़ी से मुरादाबाद गए थे, और वहां पे हमारे को पिन ये दी गई। तो जब हम स्टेज से उतर कर आए तो मेरी वाइफ मेरे को बोलने लगी कि अगर मेरे को वहां पे कुछ बोलने का मौका मिलता तो मैं जरूर बोलती।
पर चूंकि वहां पे हमारे को बोलने का मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैंने कहा अभी इसमें बहुत लेवल है, ये हमारा पहला लेवल है, आगे हमारे को बोलने के जरूर मौके मिलेंगे। आगे हमारे लिए मौका था, अचीवमेंट जो हमारे लिए था वो था स्टार रूबी का और स्टार डायमंड का। लकीली नेक्स्ट जो प्रोग्राम होना था पिन के डिस्ट्रीब्यूशन का, ये दोनों अचीवमेंट मेरे एक साथ हो गए थे, ज्यादा अंतर नहीं था, तो ये दोनों ही पिने हमें हमारे को मिलने को थी। और वो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ उसमें मेरी वाइफ को बोलने का मौका मिला। ये मौका जो उसको मिला बोलने के लिए, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं टाटा क्या और भी किसी हाउस में होता, पर मेरी वाइफ को वो मौका नहीं मिलता। उस मौके ने मेरी वाइफ के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया कि वहां से लौटने के बाद वो अकेले मीटिंग लेने लगी, अकेले मीटिंग कंडक्ट करने लगी, जबकि मेरे जॉब में रहने के बाद शायद ये अपॉर्चुनिटी उनको लाइफ में कभी मिल ही नहीं सकती थी, क्योंकि जॉब में तो इन्वॉल्वमेंट मेरा था, मेरी वाइफ का नहीं था। पर डीएक्सएन के कल्चर में वाइफ के साथ हस्बैंड को, हस्बैंड के साथ वाइफ को पूरा मौका मिलता है बोलने का, ये मैंने डीएक्सएन के अंदर ही देखा। सन 2012 में फिर एक और मोड आया, एक कंटेस्ट आया मलेशिया का, क्योंकि अब ये जो डायमंड का लेवल है, मेरे को ये मालूम था कि डायमंड के लेवल में पहुंच के कंपनी के अंदर हिस्सेदारी हो जाती है, हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ ना कुछ उसका आता है। तो 2012 में एक मलेशिया का कंटेस्ट आया, मलेशिया ट्रिप, मेरे सामने फिर एक चैलेंज आया। वाइफ कहने लगी कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, क्योंकि आईडी वाइफ के नाम से थी, तो मैंने कहा आईडी तो आप ही के नाम से है, और अगर अचीव हम ये करते हैं और हमें करना है ये अचीव, हर हाल में मलेशिया जाना है, कंपनी की यूनिट देखकर आनी है कि कैसी है, पर वाइफ ने ये शर्त मेरे सामने रख दी कि मैं अकेले 100% नहीं जाऊंगी। हमने फिर भरत जी को फोन करा, मैं भरत जी मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये जो ट्रिप आया है मलेशिया का, ये कैसे हम इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों जा सकते हैं। तो भरत जी बड़ी जोर से हंसे और बोलने लगे, क्या भाभी अकेले नहीं जा सकती हैं? मैंने कहा जा तो सकती है, पर वो जाना नहीं चाहती। कह रहे वर्मा जी इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप 200% कर दीजिएगा तो आप दोनों चले जाएंगे, जो भी टारगेट है मलेशिया जाने का आप 200% करिएगा तो आप दोनों चले जाएंगे। अब 200% थोड़ा सा मेरे को लगा कि हो भी सकता है अगर मैं प्लानिंग करूं, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है वो स्टैटिस्टिक्स से है और स्टैटिस्टिक्स डेटा पे बहुत बड़ा काम कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी टीम का रिव्यू करा, रिव्यू करने के बाद फिर मैंने एक प्लानिंग करी इसकी कि मैं कैसे 200% को अचीव कर सकता हूं। यू बिलीव मी, मेरे को जैसे जैसे भरत गर्ग ने बताया कि आप इस तरीके से प्लानिंग करिएगा, ये प्रोडक्ट को और डालिएगा, इन इन लोगों को आप जोड़ सकते हैं, तो उस पीरियड में मेरी टीम के अंदर लॉयर्स भी आए जो हाईली एजुकेटेड है, हमारे डॉक्टर्स को भी मैंने उसमें जोड़ा, जो कि मैं पहले वो काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डॉक्टर को डाइजेस्ट ही नहीं होता आयुर्वेदिक प्रिपरेशन या न्यूट्रासिकल्स प्रिपरेशन, डॉक्टर इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सारी जिंदगी उसने मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ा है, ड्रग्स के बारे में पढ़ा है, डोज के बारे में पढ़ा है, डिसीज के बारे में पढ़ा है। पर भरत जी ने मेरे को यही बोला कि जिन लोगों से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं उन लोगों को जाके ये बताइए। उन्होंने कुछ मेरे को साइट्स बताई, इस साइट्स के बारे में उनको बताइएगा, तो हो सकता है कि वो लोग इसके बारे में जाने और उनको इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा सैंपलिंग भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको टेस्ट के लिए दीजिएगा सैंपल के रूप में। मैंने उनकी बात को समझा और इस तरीके से मैंने काम किया। आप विश्वास करिएगा, बिफोर कंटेस्ट पीरियड मेरा 200% अचीवमेंट हो गया था और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब हम पहली बार एक फॉरेन ट्रिप करेंगे वाइफ के साथ और मलेशिया जाएंगे
डीएक्सएन की कंपनी देखेंगे, डीएक्सएन की फैक्ट्री देखेंगे और डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म से जाएंगे। उस पीरियड में मेरी टीम से भी मेरे 3 बंदे और गए, क्योंकि ये जो वर्किंग है, ये जो सेक्टर है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, ये ग्रुप का है, ये टीम का है। मेरी टीम अगर मजबूत है तो इसमें मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। और मेरे को इतनी खुशी हुई जब हम 5 लोग मलेशिया गए, मेरी टीम में वो डॉक्टर्स हैं, एक एस्ट्रोलॉजर गए, तो हमारा इस तरीके से फर्स्ट फॉरेन ट्रिप हुआ। इसके बाद फिर एक मौका और आया 25वीं वर्षगांठ का, उसमें भी हम गए, क्योंकि अब हमारे को एक, जैसे कहना कहते हैं ना कि खून लग जाना, अब हमारे को बाहर घूमने का एक चस्का लग गया था। कंपनी की तरफ से ही कंपनी ने हमें नेशनल इंडिया में रह के भी काफी कैंप कराए, जहां भी कैंप होते थे, क्योंकि पीरियड वो चल रहा था मेरा कि मेरे को MLM के बारे में सीखना है, प्रोडक्ट के बारे में सीखना है। तो शुरू की स्थिति तो ये थी कि कहीं पर भी कैंप अगर हो रहा है तो मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को उस कैंप में जाना है। मैं बॉम्बे तक भी कैंप अटेंड करके आया, जयपुर के कैंप हुए, जयपुर में भी मैंने कैंप करा। जयपुर के नाम से मेरे को ध्यान आया और टीम की स्ट्रेंथ पे, टीम की वर्किंग पे मेरे को ध्यान आया अभी कि जयपुर में जब हम कैंप करने गए थे, उसी पीरियड में दुबई से रोशन आरा आगरा आई हुई थी। मेरे को गाइडेंस मिली कि रोशन आरा का प्रोग्राम आगरा में आपके स्टॉक पॉइंट पे होना है, और मैं घर से निकल चुका था। मैंने तुरंत भरत जी को भी बोला, मैंने भरत जी मैं घर से निकल चुका हूं। भरत जी ने बोला कि आपकी टीम के मेंबर्स इसको संभाल लेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है, यू बिलीव मी। मैंने अपने टीम के लोगों से कॉन्टेक्ट करा, विद इन 3 आवर्स, 4 घंटे की जर्नी होती है आगरा से जयपुर की, मैं जब तक जयपुर पहुंचा नहीं था, मेरी टीम ने वो सारा अरेंजमेंट कर लिया और मेरी वाइफ ने वो मीटिंग अरेंज कर ली अपने टीम मेंबर्स के साथ, और वो मीटिंग बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट हुई। मेरे घर में लगभग 25 लोगों के साथ वो मीटिंग हुई, तो मेरे को उस दिन टीम की स्ट्रेंथ के बारे में मालूम पड़ा कि मैं हूं या नहीं हूं। वो कहते हैं कि ये MLM का जो बिजनेस है, DXN का जो बिजनेस है, ये आपके साथ भी है और आपकी एब्सेंट में भी है। तो उस दिन तो मैं एब्सेंट ही था और उसके बावजूद भी वो कार्य हुआ जो होना चाहिए था। इसी बिजनेस को करते करते मैंने बच्चों को, क्योंकि जब ये बिजनेस स्टार्ट करा था 2004 में, तो मेरे पास 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, मेरे बच्चे छोटे थे, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा, मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जब मैं DXN में आया, उसके बाद मैं सब जगह से रिजाइन कर चुका था, अपने फार्मा इंडस्ट्री को छोड़ चुका था। करते करते मैंने अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दिलाई, उसमें जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ वो सारी इनकम मेरे को DXN से ही मिली है। आज DXN की इनकम में मैं अपने परिवार के वो सारे सपने भी पूरा करता हूं जो हमने देखे हैं। और आज स्थिति यह है कि मेरे पास DXN के माध्यम से एक अच्छा स्टैंडर्ड है, जो भी घर में चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें मेरे पास हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन मैंने दिला ली, बड़ी बेटी मेरी HCL में फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोस्ट पे वर्क करती है, छोटी बेटी ने अभी BTech करा है और बेटा मेरा 12th में पढ़ रहा है, इस साल वो 12th का देगा। आज मैं देख रहा हूं कि DXN के बिजनेस के कारण ही आज की जो हमारी स्थिति है, आज का जो दौर है, ये DXN की ताकत ही है कि आज जब सारी दुनिया में बिजनेस लगभग बंद हो चुका है, लगभग बंद है, चल रहा है कम या ज्यादा, पर सबसे ज्यादा जरूरत आज किस चीज की है? हर परिवार को आज सबसे ज्यादा जरूरत है जीवन जीने की। जीवन किससे जिएंगे? अच्छी इम्यूनिटी से जिएंगे, हमारे पास पर्याप्त धन होना चाहिए, हमारे पास काम करने का माहौल होना चाहिए,
पर डीएक्सएन ने इतना जल्दी नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करा और उसमें भी इंडिया में आरवीसी ने डॉक्टर प्रोफेसर साहब ने इतना जल्दी उस चीज को अडॉप्ट करा कि मैं काबिले तारीफ है वो। और उसके माध्यम से आज जब सबसे ज्यादा जरूरत मेरे को घर चलाने के लिए, खास तौर से हम डीएक्सएन परिवार जो भी पूरे दुनिया के अंदर जो फुल टाइम डीएक्सएन कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा जरूरत पैसे की भी रहेगी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ हमारा डीएक्सएन ही है, डीएक्सएन से जो हमारे को पैसा आ रहा है। पर हमारा पैसा आना बंद नहीं हुआ। इधर मैं मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैनेजमेंट ने बहुत ही तेजाई से जो प्रोडक्ट, जहां ट्रांसपोर्टेशन लगभग बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके थे, अभी तो अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई, पर वो पीरियड स्पेशली अप्रैल एंड मई जहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चल रहे थे, हमारे डीएक्सएन सेंटर पे, स्टॉक पॉइंट्स पे प्रोडक्ट को पहुंचाया। काबिले तारीफ है, इस संकट की घड़ी में हम उस सोसाइटी की भी सेवा कर रहे हैं जिस सोसाइटी को वास्तव में इन प्रोडक्टों की जरूरत है। क्योंकि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैं इसको एक ऑर्केस्ट्रा बोलता हूं, एक म्यूजिक में एक ऑर्केस्ट्रा होता है पूरा, कहीं ड्रम होता है, कहीं कुछ होता है, इसी तरह हमारे पास एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है। हर चीज है, छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक, छोटे परिवार से लेके बड़े परिवार तक, हर परिवार के लिए हर प्रोडक्ट है। और हर प्रोडक्ट को अगर मैं देखता हूं तो वो कहीं ना कहीं मेरे इम्यूनिटी से, मेरे स्वास्थ्य से वो जुड़ा हुआ है। और साथ में मैं अपने कंपनी के सीईओ डॉक्टर लिम जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने देश और दुनिया में एक ऐसा सिस्टम चला रखा है, एक ऐसी मुहिम चला रखी है जिससे कि आने वाले समय में हर परिवार को आज नहीं तो कल ये प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। और जितना जल्दी हम सभी लोग इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करेंगे अपने रोजमर्रा के जीवन में, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि हमारा शरीर स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा सभी डीएक्सएन परिवार से कि आने वाला फ्यूचर डीएक्सएन में बहुत उज्जवल है, क्योंकि मैंने कल का टॉक जो सुना है प्रोफेसर बसुपाल जी का और हमारे कंट्री हेड रफीक सर का, वो टॉक हर डीएक्सएन परिवार को सुनना चाहिए और अपने प्रोस्पेक्ट्स को और जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उन लोगों को सुनाना चाहिए कि आने वाले समय में डीएक्सएन का क्या फ्यूचर है दुनिया के अंदर और डीएक्सएन में काम करने वालों की पोजीशन क्या रहेगी, क्या रहेगी, ये वो टॉक बिल्कुल क्लियर कर देती है। मैं आगे के सेशन के लिए प्रोफेसर बसुपाल जी से कहूंगा कि वो आगे का सेशन कंटिन्यू करें। सर, क्या फ्यूचर है दुनिया के अंदर और डीएक्सएन में काम करने वालों की पोजीशन क्या रहेगी, ये गिल्ला बिल्कुल क्लियर कर देती है। एक आगे के सेशन के लिए प्रोफेसर बसुपाल जी से कहूंगा कि वो आगे का सेशन कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग। डबल वॉइस बताए सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, आपने बहुत एक्साइटिंग सेशन आज दिया मिस्टर गजेंद्र वर्मा एंड मिसेस वर्मा। आज ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों को हमने सामने लाते हैं। आपको मालूम है अभी द स्टोरी ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से
जो लोग सक्सेसफुल हो गया है डीएक्सएन में 20 बरस से, उसको सामने लाने का एक प्रयास हमने लगातार 4 महीने से जो शुरू किया। ये कहानी एज मिस्टर भरत गार्ग टोल्ड राइटली, ये रामायण भी एक दिन में खत्म होने वाला है। मीन्स दैट दैट एपिसोड कैनॉट बी फॉर एवर, इट में बी यू नो 200 एपिसोड, 300 एपिसोड, 400 एपिसोड, मे बी वट एवर इट मे बी। बट हमने ये चैनल को खोला है, ये एपिसोड कभी भी बंद नहीं होना। ये एपिसोड डीएक्सएन रहने थे, कम रहने, हमें हमारे बाद भी एज आपने बताया ये डीएक्सएन तो हम है, तो हम नहीं है तो भी हम कहीं छुट्टी ले गया और बाहर गया उस समय में भी होना। इधर ये अभी उत्तर नहीं, हम है, हम ये दुनिया से चले गए तो भी ये जाएगी। हमारे बाद डीएक्शन का जो सिस्टम है वो आपका नेक्स्ट जनरेशन को, आपका बेटा बेटी को, आपका जो नेक्स्ट इसमें आपने फार्म में जो नाम दिया है, नेक्स्ट सक्सेसर, आपका सक्सेसर नॉमिनी, वो नॉमिनी को ऑटोमेटिकली जाएंगे वो बाद में। इसीलिए हमने बता था ऑलवेज फॉर्म भरने के समय में प्रॉपर नॉमिनी को डालना, लाइक दैट, बिकॉज इट इज एन एसेट। नेटवर्क तो एक एसेट है, ये एसेट आपका, ये आपके साथ लैंड घर हो तो ये परमानेंट एसेट, कैसे आपका फैमिली में आपके बाद में, आपको आपके बाद में वहां द लॉ ऑफ हायरार्की है, लीगली हु इज द हायर टू योर एसेट और प्रॉपर्टी, चिल्ड्रन और कोई भी हो, वो उसको नेक्स्ट, आप नहीं लिखे तो उसको नेक्स्ट जाएंगे ऑटोमेटिकली सिस्टम के साथ, नहीं तो आपको राइट होंगे नॉमिनी का नाम पहले ही बताना, और आप किसको जाना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये तो नॉट सिंपल एक कोड, बिकॉज लोगों ने सोचा है ये मेंबरशिप फ्री है, फॉर्म भरकर आईडी मिली तो ओके ऑटोमेटिकली काम चलेंगे सोचा है, ये कभी भी नहीं सोचा है। ये तो बहुत बड़ा एसेट को हमारे लाइफ में हम करके उसको, वो एसेट को डेवलप करके ये एसेट को हमने फ्यूचर जनरेशन को छोड़कर जाने का एक जो जबरदस्त सिस्टम डॉक्टर लिम्सियो जिन ने जो बनाया है ये डीएक्सएन वन वर्ल्ड वन मार्केटिंग सिस्टम में, ये साधारण से लेने का बात नहीं है। इसीलिए मैं कभी भी बताता हूँ, फैमिली नेटवर्क बनाते हैं लोगों ने, ये फैमिली स्ट्रक्चर फर्स्ट बनाई है, बिकॉज ये स्ट्रक्चर को आप एक बार एक बीज डाले तो एक पेड़ बन गए तो उसको हम निकाल नहीं सकता है, वो उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। वो तो बढ़ेंगे। इसी तरह एक बार हमने नेटवर्क को बनाए तो वो स्ट्रक्चर को बाद में हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए बिगिनिंग में ही सब लोगों को समझाना, ये तो प्रॉपर सिस्टम के साथ प्रॉपर वे में इसको करे तो बाद में जो फायदा है आपका, बिकॉज किसी को भी फैमिली का जो मेहनत है वो मेहनत उसको फैमिली को जाने का वो सिस्टम है मार्केटिंग प्लान का, जो आप काम है अभी आपने जो मेहनत किया फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जो इतना बड़ा कंपनी में आप काम किया बड़ा पोजीशन के साथ,
वो मेहनत आपका बच्चों को और फ्यूचर जनरेशन को हम नहीं बांट सकता है, उसको हम नहीं क्लेम कर सकता है कंपनी से, मैं काम किया हूं तुम्हारे का कंपनी में 15 बरस 20 बरस 30 बरस वट एवर मे बी द पोजिशन, मेरा प्रोफेसर का पोस्ट को मेरा बच्चों को मेरा पोता पोती को नहीं दे सकता हूं। वो खुद पढ़कर कहीं कहां दूसरा कॉलेज में दूसरे यूनिवर्सिटी में जॉब मिले तो वहां जाकर वो पोजीशन को अटेन करना। बट नेटवर्क मार्केटिंग का ब्यूटी है, आपका पोजीशन ऑटोमेटिकली आपका बच्चों को ट्रांसफर होता है। इसीलिए पहले से ही हमने ये सिस्टम को समझकर नेटवर्क का जो विड्थ एंड डेप्थ आपका जो फैमिली में है, अभी आपका बेटी है, बेटी इज अभी वो आपने बताया SEL में काम करती है, वो आज मेजर है, उसको भी आप लगाना। मुझे मालूम नहीं है क्या आप उसको लगाया है, नहीं तो 18 बरस के बाद में जो ऑल फैमिली मेंबर्स को नेटवर्क के साथ आपके साथ जोड़ना, क्योंकि ये नेटवर्क ये लोगों को जाने के समय मालूम हो गया ना, ये भी मेहनत करे तो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा वॉल्यूम को बहुत बड़ा इनकम को वो ले सकता है। इसीलिए ये एक प्रॉपर्टी के तरह है, आपका जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है, ओनरशिप टाइटल जो आपका नाम में है, तो कोई भी एसेट कैसा आपके पास वो टाइटल और आपके लाइफ में आप किसी को भी उसको ट्रांसफर कर सकता है। सपोज इफ यू आर अनेबल टू वर्क यू कैन ट्रांसफर योर नेटवर्क टू योर चिल्ड्रन आर योर ग्रैंड चिल्ड्रन आर योर फैमिली मेंबर आर योर क्लोज पीपल यू नो नॉमिनी। वो हमारा लाइफ टाइम में हम काम नहीं करे तो भी उसको भी वो हम इसमें ये सभी है डीएक्सएन का जो सिस्टम में उसको समझ कर काम करना। दूसरी बात है इसमें हमने जॉब की तरह बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोगों ने नेटवर्क में आने के बाद नेटवर्क में काम करते हैं और एक जॉब की तरह और एक काम की तरह और एक नौकरी की तरह। जब तक वो नौकरी की तरह काम करते हैं ये बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हो सकता है, बिकॉज उसका मेंटेलिटी होंगे नौकरी का मेंटेलिटी में हम क्या करता है, नौकरी का मेंटेलिटी में हम सभी टाइम में सोचते हैं हमको किसी ने ऑर्डर देना, किसी का ऑर्डर को हम वेट करता है, बॉस का ऑर्डर को और सुपीरियर का ऑर्डर को। आप एक कंपनी में काम करे तो आपको मालूम है आप ऑलरेडी यू वर्कड कितना बरस आप काम किया है, 14 इयर्स आप एम्प्लॉई थे, 14 इयर्स में आपको माना आप ही बताया बहुत बड़ा प्रेशर था, बहुत बड़ा दबाव था, स्ट्रेस था, टेंशन था, उसको एस्केप करने के लिए मैं डीएक्सएन को बांट कर आया। वाट वही है, क्योंकि जॉब है तो वहां स्ट्रेस होंगे, टेंशन होंगे, प्रेशर होंगे, क्यों आपका स्वइच्छे से आप काम नहीं कर सकता है, आप काम करना है दूसरों को, ये दूसरों को ऑर्डर से हम कोई भी काम करते हैं वहां स्ट्रेस होता है, क्योंकि कोई भी हो किसी भी सेक्टर में हो वो सुपीरियर जो होंगे हायरार्की में हायर अथॉरिटी होंगे। हमारे कॉलेज में कॉलेज प्रिंसिपल था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं बनने के पहले मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, ये लोगों ने हमने जो वो राइट नहीं हो तो भी हम राइट बताना, नहीं तो हमको पोस्ट को डेंजर आएंगे, वो गलत है, वो उस तरह नहीं करना, उस तरह नहीं करे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएंगे। बट सुपीरियर बताया यस सर मेरा डोंकी हॉर्स को मेरा हॉर्स को 4 लेग नहीं 6 लेग बताए तो यस सर योर हॉर्स हैज 6 लेग है यस बताना। ये ही है बहुत बड़ा से, वो सभी कोई भी जॉब हो कोई भी डिपार्टमेंट हो प्राइवेट हो बट वेरी रेयरली दे गिव द फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू फ्रीडम टू डू
what you think it is right to do. And that freedom नहीं हो तो वो स्ट्रेस होता है किसी को. अभी हमको बहुत तरह, बट हमने क्या होता है, एक बार एक नौकरी को गए तो आपको मालूम है हायरार्की में उसका ऊपर उसका ऊपर उसका ऊपर कोई टॉप लेवल तक हम सुनना ही है, ब्लाइंडली फॉलो करना है, गलत और यू नो राइट, राइट और रॉन्ग वी हैव टू फॉलो. ये कंडीशन होता है एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में. यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सुनना एक ही आदमी को सुनना है, एक ही आदमी माने ये वो आदमी नहीं होंगे, सिस्टम, सिस्टम को सुनना है, ठीक सिस्टम. इसलिए हम बताते हैं मेंटरशिप. मेंटरशिप तो बॉसिज्म नहीं है, मेंटरशिप तो आपको सिखाने के लिए कोचिंग. ए मेंटरशिप इज ए गाइड. मेंटरशिप किसी का बॉस नहीं है, हम किसी का बॉस नहीं है. आरवीसी में, आरवीसी में हम लगातार डिसिप्लिन को सब मिलकर हम लगाते हैं. लोगों को समटाइम्स दे मे बी यू नो थिंकिंग दैट वी आर एनफोर्सिंग सर्टेन डिसिप्लिन, बट वी आर एनफोर्सिंग दिस इज मेंटरिंग, इट इज नॉट ए बॉस एनफोर्सिंग. एंड वी आर एनफोर्सिंग दोस थिंग्स which are proven right, which are proven wrong, we are not intentional because there will not be result. इसीलिए जब sometimes कड़वा बातें होता है training में and ठीक करने में, लोगों को सोचता है हम क्या, कौन है हमको इसको, हम कोई भी नहीं है. अग्रवाल sometimes बहुत कड़वा से enforce करते हैं, मैं बताता हूँ आप करना है, आप नहीं करे तो कोई भी नहीं करेगा. ये किसी ने किसी करना है सिस्टम में ठीक करने के लिए. अभी सभी लोग बताता है वॉट एवर ही सेड इज राइट, क्यों? लोगों ने रिजल्ट देखता है, कमाता है, बढ़ते हैं, सभी लोगों को रियलाइज होंगे ओ यस दिस इज द राइट. दिस वे ऑफ ट्रेनिंग आर कोचिंग आर सिस्टम इज राइट. इसीलिए यहां हम जोर डालते हैं मेंटरशिप के ऊपर. और मेंटर नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम में जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हैं, वो अच्छा जो सिखाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं. आपको मालूम है बेरोजगार का आपको बहुत बड़ा जनरेशन गैप है. ये तो यंग बॉय व्हाइल यू जॉइन डीएक्सएन, आई थिंक यू मे बी इन 40s व्हाइल you joined in 2004 में. I don't know what was your age then, but definitely 55 then 2004 में और अभी 2004-05 में still you were around 40s, you were in 40s that time. भरत कार वॉज इन 20s. ये छोटा बच्चे था वो उस दिन, बट वो स्मार्ट बॉय इन बिजनेस, यू नो. एंड इफ यू हैव द माइंड सेट वाई मस्ट हियर भरत गार्ड, बिकॉज ही वॉज मूविंग वेरी फास्ट देन एज ए यंग एंटरप्रेन्योर एंड ही इज ए सक्सेसफुल मैन. हैंस इसीलिए अभी भी भरत से आपको बहुत, यू आर 55, ही इज इन 40s आर लेट 30s, आई थिंक इन मिड 30s ही मे बी, यस 30s आर अर्ली 40s, वट एवर इट मे बी. एंड बट स्टिल ही इज ए क्राउन एम्बेसडर, ही हैज शोन, ही हैज डेवलप्ड, एंड वी हैव टू फॉलो. दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इन नेटवर्क मार्केटिंग. नेटवर्क मार्केटिंग में एज सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं होगी, इट इज ओनली द सक्सेस, कितना कमाता है, कितना स्पीड में गया है, कितना बड़ा टीम है, कितना बड़ा लीडरशिप है उसको. इसीलिए हम बताते हैं सरेंडरिंग टू द मेंटरशिप, दैट इज व्हाट पावर ऑफ सबमिशन. सबमिशन, सबमिशन इज नॉट समथिंग लाइक यू नो समथिंग समबडी इज सुपीरियर, समबडी इज इंफीरियर, नॉट दैट टाइप. अभी हमने ये सबमिशन में हमने हम्बली वी आर
accepting the system, following and following the mentorship. That is very important. मैं क्यों बताता हूँ इसको, ये छोटा मोटा चीज से नेटवर्क टूट जाता है, लोगों ने काम नहीं करता है, ये ईगो क्लैश में बैठता है. अभी समटाइम्स सम अनपढ़ लोग अप्लाई हो सकता है किसी को, बिकॉज नेटवर्क में आता है लोग सभी डिग्री के साथ. हम तो एक्सेप्शन है, आप तो पोस्ट ग्रेजुएट है, हम भी पोस्ट ग्रेजुएट है, एंड आई एम यू नो अबव पोस्ट ग्रेजुएट है, नहीं नेम फील के सभी के. बट हमने समटाइम्स अंगूठा वाली से भी सीखता है, अंगूठा वाली क्यों, बिकॉज इसने अच्छा काम करके रिजल्ट दिखाया. अभी फॉर एग्जाम्पल सुरेंद्र प्रसाद जी एंड धर्मशीला, कोई बड़ा डिग्री कोई देखे नहीं, अच्छी सी हाउस है, बट हम उससे भी सीखते हैं. क्यों, वो कमाती है, बड़ा नेटवर्क बनाई है. ये है द ब्यूटी ऑफ दिस सेक्टर. एंड दिस सेक्टर में अभी रेखा देवी, मुन्नी देवी, वो कुमारी आरिता सोम, वो बिहार का लोगों को है 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख कमाते. रीटा देवी तो उसको गुरु माना ही है. क्यों, नेटवर्क में हमारे ज्यादा कमाए तो, हमारे अच्छा नेटवर्क बनाए तो उससे हमको सीखने को मिलता है. इसीलिए ये तो एंटायरली डिफरेंट सेक्टर है, इसमें सीनियर जूनियर नहीं है. जो सक्सेसफुल है वही सीनियर, जो कमाता है वही सीनियर है. कोई भी हमारा जो कन्वेंशनल डिग्रीज वो उसको रखकर हम बैठे तो हम नहीं बढ़ता है, वही है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम. हेंस ये सिस्टम को सबमिट होना, ये पावर ऑफ सबमिशन इज नॉट टू द इंडिविजुअल, नॉट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, दिस इज द पावर ऑफ सबमिशन टू द सिस्टम एज ए होल. RVC is not individual. RVC एक आदमी नहीं है, RVC group of a few people भी नहीं है, RVC तो 50 लाख लोग. RVC जो मेरा नेटवर्क में 50 लाख लोग है वो सभी RVC, बिकॉज हमारे रूट से जनरेशन के गए हैं. थोड़ा अलग एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा अलग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, थोड़ा अलग रिफ्यूज करता है, थोड़ा अलग गाली देता है, थोड़ा लोग भाग जाते हैं, थोड़ा लोग ये क्या है बेवकूफ, प्रोफेसर बेवकूफ भी बता सकता है, कुछ भी हो, इससे हमको कोई दुखी नहीं है, क्योंकि हम सिस्टम बनाया है. सिस्टम को जो पकड़ते हैं वो ऊपर 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 जल, सिस्टम को जो छोड़ते हैं उसका रास्ता, ग्रोथ का रास्ता बंद होता है, क्योंकि उसको कहां जाना मालूम नहीं होता, टीम कहां लेकर जाना मालूम नहीं होता. आप चले तो भी टीम को कैसा लेकर जाना मालूम नहीं होता, वही है सिस्टम. हेंस ये तो बहुत पावरफुल सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में. कोई भी कंपनी, इट इज नॉट फॉर डीएक्सएन, आपको मालूम है बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, वही भी सिस्टम है. नेटवर्क लीडरशिप का सिस्टम है, टीम का सिस्टम है. नेटवर्क करने, सीनियर नेटवर्क करने जो कंपनी को खोला अच्छा एक दृष्टिकोण से, लोगों को लाइफ को बदलने के लिए, लोगों को कमाने को सिखाने के लिए, लोगों को भलाई के लिए, लोगों का भलाई के लिए, ये तो बहुत बड़ा एक उद्देश्य होना, दृष्टिकोण होना, नहीं तो इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता है कहीं भी. इसीलिए नेटवर्क बहुत कंपनी में टूट जाते हैं, वो यू नो ये सभी बिगड़ जाता है, क्योंकि सिस्टम मजबूत नहीं है. जहां सिस्टम मजबूत है वहां कंपनी मजबूत होता है. हेंस सिस्टम को हमने मजबूत करने के लिए जो ये माध्यम को हमने ये कोरोना पीरियड में लगातार बहुत बरस से मेरा सोच था, नॉट दैट ये सोच नहीं है, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी विल टेक ओवर, टेक्नोलॉजी के साथ हम बदल नहीं है. जो साधन है थोड़ा बरस के पहले वो नहीं है. आपको मालूम है एक समय में हमने इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए इंफॉर्मेशन आसानी से दूसरे लोगों को
रीच होने के लिए फोन का माध्यम सभी जगह में नहीं चलता था। उस समय एक बार पेजर आ गया, ये पेजर कहाँ है आज मालूम नहीं है हमको। इतना कुछ था, मैं 90s बाकी बातें में बातें करता हूँ, लेट 80s में जो पेजर आ गया हमको बहुत कुछ, पेजर से वो मैसेज भेजो, मैसेज लोगों को कहाँ मीट होंगे, व्हाट टाइम आई मीटिंग, वो पेजर से हम मैसेज भेजता है। वो बहुत अच्छा साधन हमने सोचा। बाद में जो मोबाइल आ गया, एंड्रॉइड आ गया, अभी पेजर गायब हो, पेजर कहाँ मालूम नहीं, अभी लैंडलाइन कहाँ है मालूम नहीं, किसी के साथ भी लैंडलाइन दिए एक काल में वो टेलीफोन को। अभी क्यों टेक्नोलॉजी इसी तरह नेटवर्क इंडस्ट्री में अभी टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो गया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन एवरीथिंग गोइंग टू बी ऑनलाइन। इंडिया में भी थोड़ा महीने के बाद 100% एवरीथिंग आप मोबाइल में बिजनेस कर सकते हैं। मोबाइल में पैसा आप यानी स्टॉकिस्ट को, कंपनी को, कोई नंबर को भेजे तो प्रोडक्ट घर को आता है। ये पेमेंट गेट अदर थिंग फुल ऑटोमेशन का काम चलता है। उस समय स्टॉक पॉइंट रहेंगे बट कहां ऑनलाइन ऑर्डर रहेंगे, आगरा का ऑर्डर ज्यूरिडिक्शन हो गई तो ऑर्डर आगरा का स्टॉकिस्ट को लिंक हो, वो पैसा आपको ऑर्डर आपको कंपनी थ्रू कंपनी इट विल बी डाइवर्टेड टू ईच एरिया स्टॉक पॉइंट एंड प्रोडक्ट विल गो टू द यू नो 100 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, कितना किलोमीटर में स्टॉक पॉइंट नहीं है वहां सभी सर्विस होंगे ऑटोमेटिकली। अभी ये सभी हमने रिक्वेस्ट किया फुल्ली, अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडल ईस्ट फुल्ली ऑटोमेशन हो गया। अभी एशिया पर्टिकुलरली इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी जोड़कर ऑनलाइन सभी करने का प्रयास में हैं। 2-3 महीने में ये सभी फुल ऑटोमेशन। उस समय आप सभी घर में बैठकर एक मोबाइल रखकर इसमें सभी कर सकते बिजनेस करने वाले, इतना आसान होंगे। आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, एक मोबाइल, दुनिया का वर्ल्ड मार्केट आपका मोबाइल के साथ, मोबाइल से ऑर्डर चलता है, एप्लीकेशन सभी स्पॉन्सर कर सकता है, बाइंग, सेलिंग, रिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग सब कुछ, डेली वॉल्यूम एवरीथिंग यू कैन डू, एवरी यूर अकाउंटिंग एवरीथिंग, दैट टाइप ऑफ ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन आज एवरी सेक्टर में जबरदस्त चलता है। आपको मालूम है बैंकिंग सेक्टर सभी ऑटोमेशन में, बैंक का हम सब कुछ अभी मोबाइल में कर सकता है, हम जाने का जरूरत नहीं है। इसी तरह अभी इट इज नॉट आईटी सेक्टर, अकाउंटिंग सेक्टर, सभी सेक्टर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का एम्ब्रेस होने के समय हम नहीं बदले तो हमारा ग्रोथ कुंठित होंगे। इसीलिए इतना आसानी से हम कर सकता है उसको हमने फुल्ली फायदा उठाकर मार्केट को डेवलप करने में, आप आपका एरिया में यूपी में, यूपी तो अभी वेस्टर्न यूपी फुल्ली खाली है, इतना बड़ा स्टेट में आप जबरदस्त स्पॉन्सर करना जाना, नया लोगों को लाना, नया लोगों को रिप्लेस द इनएक्टिव पीपल विद एक्टिव पीपल, ब्रिंगिंग न्यू पीपल, ये तो अपॉर्चुनिटी है। सभी लोग ये पीरियड में प्रोडक्ट यूज करेंगे, सभी लोग, और सभी लोग एडिशनल इनकम को, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम को, पैसिव इनकम को 100% ढूंढते हैं ये पीरियड में। सबको पैसिव इनकम चाहिए, एक्टिव इनकम तो आपका काम जॉब, वो एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम नेटवर्क, नेटवर्क की तरह पैसिव इनकम देने वाला और कोई भी आसानी से करने का सेक्टर नहीं है, मालूम हो गया ना, बहुत मुश्किल है भाई। मे बी यू आर ए सिंगर पैसिव इनकम, बट बड़ा सिंगर बनना, हाउ मेनी पीपल विल बिकम
लता मंगेशकर है ना, उसको पैसिव इनकम मिलेंगे। ये एक बार एक सॉन्ग आ गया तो उसका इस तरह का आर राइटर, यू मस्ट बी ए राइटर फॉर पैसिव इनकम, रॉयल्टी मिलेंगे। ये रॉयल्टी मिलने का बिजनेस, रॉयल्टी मिलने का बिजनेस ओनली नेटवर्क में। इसको कोई नहीं समझता है बिकॉज उसको मालूम नहीं है उसमें क्या है। इसका समझाने का काम ही हमारा है। आप सबको डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल को जबरदस्त जोड़िए, आपका काम यहां करते हैं हमने चैनल में। जो लीडर्स डेली आता है डिफरेंट बैकग्राउंड से, वो सिखाएंगे प्रोडक्ट नॉलेज, नेटवर्क नॉलेज, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, स्पॉन्सरिंग स्किल, लिस्ट मेकिंग से लेकर ड्रीम बिल्डिंग तक एवरी टॉपिक इज कवर्ड हियर। हेंस आप सबको ये आरबीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। एंड यू आर सो नाइस मिस्टर वर्मा एंड मिसेस वर्मा, गॉड ब्लेस यू, वी वांट यू टू ग्रो एंड वी वांट यू टू बिकम क्राउन एम्बेसडर। श्योर यू कैन बिकम। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर। नमस्ते।